हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक तो आप लोगों ने गदर 2 मूवी देखी ली होगी और यार काफी लोगों को पसंद आ रही है, सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यार ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मूवी उतनी खास अच्छी नहीं थी आई थिंक, क्योंकि अगर इस पिक्चर से आप सनी देओल को हटा दो तो पिक्चर क्रिंजी है, कुछ भी नयापन नहीं है इसमें। एंड ऊपर से अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखोगे तो आपको बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी। पहली गलती तो ये कि भाई ये पिक्चर सनी देओल की नहीं, उसके बेटे की है, जीते की, जो कि डायरेक्टर का बेटा है, तो उसको लॉन्च करने के लिए ही पिक्चर बनाई गई है ये। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि भाई ये लोग इतनी आसानी से पाकिस्तान पहुंच कैसे जा रहे हैं, और जब पाकिस्तान पहुंच जा रहे हैं तो और आसानी से जब ये तारा सिंह आ रहा है सबके बीच में से चलकर, तो भाई पाकिस्तान वाले इतने चूतिए तो नहीं हो सकते कि गोली ना चलाएं उस पर। तो खैर दिमाग छोड़कर इस पिक्चर को देखोगे, बहुत मजा आएगा, एक नॉस्टैल्जिया फील होगी। भाई ओवरऑल पिक्चर अच्छी है, थिएटर में जाओगे, अगर सिंगल थिएटर में जाओगे, सिंगल थिएटर में ही जाना, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो बहुत शांत किस्म का स्वभाव होता है वहाँ पे, लेकिन अगर आप सिंगल स्क्रीन पे जाओगे तो सब लोग चिल्लाते हैं, डांस करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो एक अच्छा फील होता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बन जाता है देखने के लिए। तो हाँ ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस पिक्चर को थिएटर में जाकर देखोगे तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आओगे, जो पैसे दिए हैं वो रिग्रेट नहीं करोगे। तो खैर यहाँ पे मैंने क्विक रिव्यू आप लोगों को दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आप पिक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो नहीं देख सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बात करने आए हैं हैंड पंप वाले सीन के बारे में। देखो दोस्तों, मूवी से पहले मैंने सोचा था कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, देखो पहले से ही दिमाग में था कि जब मूवी आ जाएगी तो इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन तब मैंने सोचा था कि भाई कुछ अलग तरीके से बनेगा, एक कंपैरिजन होगा यहाँ पे। लेकिन अब जब मैंने पिक्चर देख लिए तो कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन भाई कंपैरिजन करने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर। क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर जब वो हैंडपंप वाला सीन आता है तो अंदर से एक एक्साइटमेंट आ जाती है, देखकर मजा आता है उसको। लेकिन भाई पार्ट 2 में भी ऐसा हमने सोचा तो था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। भाई पार्ट 2 में तो हैंडपंप उखड़ा भी नहीं है। शिट, स्पॉइलर दे दिया, नेवर माइंड। हाँ तो मैं कह रहा था कि गदर 2 के अंदर वो हैंडपंप वाला सीन डेफिनेटली है, और वो कहीं ना कहीं आपको एक्साइट जरूर करता है जब वो हैंडपंप वाला सीन आता है ना भाई थिएटर में, तो ऑडियंस पागल भी जरूर हो जाती है। लेकिन भाई उस हैंडपंप वाले सीन को देखकर एक उम्मीद भी थी कि सनी पाजी अब जाएंगे उस हैंडपंप को उखाड़ेंगे और फिर से उन पाकिस्तानियों को मारेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले पहले से ही डर गए। देखो पिक्चर के अंदर होता ये है कि सनी पाजी वॉन्टेड है, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे दौड़ रहा है, और एक सीन में जब लोग उनका पीछा कर रहे थे तो वो अचानक से एक हैंडपंप की तरफ पहुंच जाते हैं, और भाई जैसे ही वो हैंडपंप के सामने जाकर रुकते हैं तो सभी लोग ऐसा पहले से ही डर जाते हैं कि अरे यार अब ये हैंडपंप उखाड़ेगा, हम लोगों को मारेगा। भाई 1947 का सीन था वो, 1971 का सीन है ये, लोगों को इतने सालों तक वो हैंडपंप वाला सीन याद ही है पाकिस्तान में। हाँ आइकॉनिक सीन है, याद भी हो सकता है, लेकिन भाई सेम लोग थोड़ी ना दौड़ रहे थे उसके पीछे। तो अब इससे पहले कि सनी पाजी उस हैंडपंप को उखाड़ते, वो लोग पहले ही डर के भाग गए कि यार भागो भागो, हैंडपंप से मारेगा हम लोगों की पिछवाड़े में मारेगा। तो सनी पाजी को मौका ही नहीं मिला उसको उखाड़ने का, क्योंकि भाई पहले ही सब लोग भाग गए डर के। अब यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यार 100-150 लोग हो, एक बंदा हैंडपंप उखाड़ के भी तुम में से कितनों को ही मार देगा। यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना था लेकिन मैंने थोड़ा सा कर लिया, नेवर माइंड। खैर मैं तो वेट कर रहा था कि भाई सनी पाजी अब हैंडपंप उखाड़ेंगे, नया वाला हैंडपंप है, थोड़ा एडवांस हैंडपंप है ये, और इससे जब मारेंगे तो फिर से 100-150 लोग एक बार में उड़ के गिर जाएंगे। लेकिन भाई ये लोग तो पहले ही पात दिए, नहीं हम लोगों को तो मार खाना ही नहीं है, पहले से ही दौड़ गए वो लोग। लेकिन कंपैरिजन करने लायक यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि पहली वाली पिक्चर में हैंडपंप उखड़ा था लेकिन इस वाले पिक्चर में हैंडपंप उखड़ा ही नहीं। एंड दोस्तों गदर 2 का ये हैंडपंप वाला सीन परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भाई गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया तुम लोगों ने। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर हम लोग VFX CGI की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि पिक्चर के अंदर 100 करोड़ खर्च हुए हैं और 100 करोड़ में एक अच्छा VFX हमें देखने को मिलना चाहिए था, ये मेरी एक कंप्लेन रहेगी पिक्चर के अंदर से। लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोग VFX और CGI को आसानी से इग्नोर कर देते हो, क्योंकि जब आप इस पिक्चर को देखने के लिए जाते हो तो एक इमोशन से जाते हो, एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर होता है आपके दिमाग में, तो इन सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली आराम से मिस कर सकते हो और आराम से इनको इग्नोर भी कर सकते हो। तो हाँ डेफिनेटली आप इस पिक्चर को थिएटर में जाकर देख सकते हो, एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है, दिमाग ज़्यादा मत लगा ना, बस एंजॉय करने के मूड से जाओगे तो एंजॉय कर लोगे इस पिक्चर को, और आई थिंक लोग एंजॉय करने के लिए पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं। सो
जाओ और इंजॉय करो। बाकी OMG 2 के बारे में भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, और यार OMG 2 फार बेटर है गदर 2 से कंटेंट के मामले में, और कुछ अच्छा सिखाती है आपको। बाकी यार इसके अलावा भी बहुत प्रेशर में हूँ, KGF 3 आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिए मैंने फैन फिक्शन KGF 3 की, लेकिन अभी तक उस पर काम चल ही रहा है। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि आज ही KGF 3 की फैन फिक्शन डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिले उसमें हो रहा है, मुझे 2 दिन का और समय दो, प्रॉबेबली 2 दिन के अंदर प्रॉबेबली मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर टाइगर 3 की एक ग्लिम्स भी आने वाली है, तो यू नो नेक्स्ट क्या आ सकता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।